हम MS Word के कोई भी पेज या डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क का यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों MS Word में वाटरमार्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। मान लीजिए आप एक टीचर या स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय हो और आप MS Word में कुछ डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कोई आपसे यूज या कॉपी ना कर पाए, तो वहाँ पर यूज किया जाता है वाटरमार्क का। चलिए फिर MS Word में कैसे वाटरमार्क का यूज आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे वो सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MS Word में मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा है और ये पेज का मैं प्रिंट निकालना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरा नाम या हमारी इंस्टीट्यूट का नाम रहे, ये डॉक्यूमेंट या नेम कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए यहाँ पे एक निर्देश दिया जाता है वाटरमार्क के रूप में। तो आप अपने डॉक्यूमेंट या पेजों पे वाटरमार्क का यूज करने के लिए सबसे पहले डिजाइन टैब या मेनू पे क्लिक करें और यहाँ पे डिजाइन टैब का जो रिबन शो कर रहा है उसके लास्ट में पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वाटरमार्क का जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वाटरमार्क लगाने के लिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, दो कॉन्फिडेंशियल के लिए और दो डू नॉट कॉपी के लिए। तो आप यहाँ से कौन सा लगाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डू नॉट कॉपी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डू नॉट कॉपी का एक टेक्स्ट यहाँ पे लाइटली डिस्प्ले हो रहा है। मैं और एक पेज इंसर्ट करूंगी तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेज मैंने इंसर्ट किया है उस पे भी वो डू नॉट कॉपी का जो टेक्स्ट है यहाँ पे लाइटली शो कर रहा है। तो आप जितना पेजेस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सब पेजों पे डू नॉट कॉपी का जो वाटरमार्क है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चार पेजेस इंसर्ट कर दिया और सभी पेजों पे डू नॉट कॉपी का जो वाटरमार्क है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे भी आप वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नाम से या इंस्टीट्यूट किसी कंपनी के नाम से वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो फिर से वाटरमार्क का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जो कस्टम वाटरमार्क है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक प्रिंटेड वाटरमार्क बोल के एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खोल के आ जाएगा। यहाँ पे भी तीन ऑप्शन दिया हुआ है, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो अगर आप कोई भी पिक्चर या लोगो वाटरमार्क के रूप में अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाना चाहते हैं तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट पिक्चर का, तो सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन से पिक्चर लाना चाहते हैं या वर्क ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्क ऑफलाइन करूंगी क्योंकि मैंने पहले से लोगो है उसको रखा है, तो मैं वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद जो इंस्टीट्यूट का लोगो है उसको मैं इंसर्ट करूंगी। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो लोगो का पार्ट है या जो लोकेशन है यहाँ पे शो करने लग जाएगा। पिक्चर लाने के बाद यहाँ पे जो स्केल है वहाँ से भी आप साइज का इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑटो ही रखूंगी। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है वॉस आउट का, तो आप अपने लोगो को अगर वॉस आउट रखना चाहते हैं तो वॉस आउट रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं वॉस आउट करना चाहती हूँ तो वॉस आउट पे क्लिक करूंगी, उसके बाद अप्लाई कर दूंगी तो ये जो डार्क हमको शो कर रहा था वो लाइटली हमको शो करने लग जाएगा। वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये तो हो गया पिक्चर वाटरमार्क का। उसके बाद हम अगर एक नाम से टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो आप किस भाषा में अपना कोई भी नाम ऐड करना चाहते हैं ये भाषा यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आप यहाँ पे वाटरमार्क के रूप में लगाना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करें। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अल्टिमा करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट मतलब उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो आप कोई भी अपने हिसाब से स्टाइल्स लगा सकते हैं। उसके बाद साइज, साइज भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं
उसके बाद कलर, जो टेक्स्ट वाटरमार्क में आप लगाना चाहते हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेआउट, लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल और हॉरिजेंटल। अगर आपको डायगोनल रखना है तो डायगोनल रख सकते हैं, उसके बाद हॉरिजेंटल रखना है तो हॉरिजेंटल। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लगाऊंगी, तो मैंने हॉरिजेंटल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसका जो सेमी ट्रांसपेरेंट है, आपको सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्टीमा करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया था वो वाटरमार्क के रूप में सारे पेजों पे आ चुका है। उसके बाद इसको मैं क्लोज करूंगी। अभी ये आ गया जो टेक्स्ट हमने टाइप किया था अल्टीमा करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, वो सारे पेजों पे वाटरमार्क के रूप में आ गया है। अगर ये वाटरमार्क आपको नहीं चाहिए या आप हटाना चाहते हैं तो फिर से वाटरमार्क का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव वाटरमार्क का, तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देने से आपका जो वाटरमार्क पेजों पे शो कर रहा था वो हट गया है। तो इसी तरह आप एमएस वर्ड में वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट या पेजों पे वाटरमार्क का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक डे।